चार दिवसीय गोरखपुर जोन की 62वीं अंतर जनपदीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता का उद्घाटन आईजी जोन नीलाब्जा चौधरी ने पुलिस लाइन सभागार में किया। इस अवसर पर एसएसपी शलभ माथुर, एसपी नॉर्थ रोहित सिंह सहवाण, सीओ कैंट प्रभात राय, सीओ लाइन तथा कोतवाली अतुल चौबे सहित 11 जिलों से आए प्रतिभागी मौजूद रहे। प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा आईजी नीलाब्जा चौधरी ने अपने संबोधन से किया। आपको बताते चले कि पुलिस छानबीन में फोटोग्राफी का बहुत ही महत्व होता है। छोटे छोटे बिंदुओं पर फोटोग्राफी के माध्यम से जांच की जाती है और मुजरिमों को पकड़ने में आसानी होती है। खासकर दहेज हत्या के केस, अज्ञात मिली लाशों की शिनाख्त, मर्डर में मुजरिमों तक पहुंचने में फॉरेंसिक टीम के साथ फोटोग्राफी की विशेष महत्व होता है। चार दिवसीय इस प्रतियोगिता में फोटोग्राफी की प्रत्येक बिंदुओं की पड़ताल होगी तथा समापन के अवसर पर उन्हें पुरस्कृत भी किया जाएगा। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आईजी नीलाब्जा चौधरी ने बताया। गोरखपुर जोन की 65वीं अंतर जनपदीय वैज्ञानिक अनुसंधान एवं पुलिस फोटोग्राफी प्रतियोगिता के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। नंबर एक बुलिया बयान और दूसरा घटनास्थल निरीक्षण, ये प्रतियोगिताएं जो है चार दिन तक आयोजित होते हैं। साल होते हैं सब टीम नहीं आई है। और तो जो है बुलिया बयान और घटनास्थल निरीक्षण प्रैक्टिकल ये है, कुछ प्रतियोगिताएँ आज कराएंगे, कुछ कल कराएंगे, कुछ परसों कराएंगे और चौथे दिन का रिजल्ट तैयार होगा। गोरखपुर जोन के सभी जनपदों में वैज्ञानिक साक्ष्यों को उठाने के जो विधि है और पुलिस फोटोग्राफी के संबंध में प्रतियोगिता आयोजित की गई है। इसमें सभी फील्ड यूनिट और विवेचक लोग प्रतिभाग कर रहे हैं, सभी जन गोरखपुर जन जोन के, और तीन दिन ये इसका समापन 5 तारीख को किया जाएगा। और अलग अलग तरीके जो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस के होते हैं उसके संबंध में कोई प्रश्न पत्र दिए जाएंगे। इंडोर और आउटडोर दोनों इवेंट्स इसमें होंगे और आशा है कि इससे जो है साइंटिफिक एड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन या जो है हम लोग के उसको और ज़्यादा उपयोग में लाने हैं तो प्रोत्साहित किया जा सकेगा लोगों को।